हेलो बच्चों, नमो नमः। आप लोग कैसे हैं? आज मैं कक्षा 6 पुस्तक दीपकम से जो पाठ 3 अहम च त्वम च का हमने जो वीडियो बनाया था उसका आज हम सल्यूशन लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो इस पाठ में हम केवल प्रश्नोत्तर ही देखेंगे। आपको अगर पाठ को पढ़ना है, उसका अर्थ जानना है, तो हमने पहले वीडियो बना रखा है अहम च त्वम च पाठ 3 तृतीय पाठ से, तो आप उसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो है, आप यह अभ्यास का वीडियो है, यानी यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अहम च त्वम च पाठ से यह एक्सरसाइज आपका प्रारंभ होता है। आपको बच्चों ये एक्सरसाइज केवल मेरे वीडियो पे ही मिल सकती है, अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके स्कूल में ये किताब पढ़ाई जा रही है तो आप इस पुस्तक को हमारे वीडियो से जा करके देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसका प्रश्नोत्तर भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी हम लोग अब अभ्यास करेंगे। वयम का अर्थ होता है हम सभी लोग, अभ्यासम मतलब प्रैक्टिस, कुर्मः मतलब करते हैं। तो चलिए हम सभी लोग साथ में आपके प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है, इसमें लिखा उच्चे पठन्तु अवगच्छन्तु च, यानी इस श्लोक को हमें क्या करना है, पढ़ना है, बोल बोल के क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम इस वीडियो में केवल प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा है उदाहरण अनुगुणान अधोलिखितेषु वाक्येषु पटिकातः उचितैः पदैः स्थानानुपूरयन्तु। यह जो उदाहरण दिया गया है बच्चों, इसमें आपको जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उस हेल्प बॉक्स के अंतर्गत देख करके सही जगह पर रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरी तरह से सही सही रिक्त स्थान भरे हैं। तो जैसे यथा मतलब जैसे एग्जांपल, हे बाला तुम छात्र असी, इसका अर्थ है हे बच्चों तुम छात्र हो। अब यहाँ पे क में देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ब्लैंक दिया गया था, तो शिक्षकों सौ लिखा हुआ आपकी पुस्तक में, तो यहाँ पे आप भरेंगे आवाम। क्या भरेंगे बच्चों? आवाम। तो ये आवाम जो है ये फर्स्ट वाले यानी क में भराएगा, ये किसका रहेगा, क का। तो ये हमने यहाँ आवाम भरा है। फिर ख में है मंचे यूयम नर्तक्य स्थ, तो यहाँ पे यूयम देखिए ये सेकेंड का यानी ख का यूयम है, तो आप यूयम भर दीजिए। ग में है अत्र अहम अस्मि, तो यहाँ पे ग का जो है अहम भराएगा, हमने यहाँ भरा हुआ है। बच्चों आप ऐसे देखते हुए भरते जाइए अपने पुस्तक में, और अगर उत्तर पुस्तिका आपके विद्यालय में अध्यापक ने बोला है तो उसमें बना के लिख लीजिएगा। और बच्चों ये केवल आंसर हमारे वीडियो पे ही आपको अवेलेबल मिलेगा, अभी कहीं भी गूगल पर भी, गूगल बाबा ने भी अपलोड नहीं किया है। तो मैं सौम्य संस्कृत चैनल की तरफ से ये बच्चों के हेल्प के लिए, क्योंकि संस्कृत क्या होता है कक्षा 6 के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं रहती है, तो बच्चे क्या होते हैं थोड़े से भयभीत होने लगते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल नई बुक है या इसका आंसर कहीं मिल नहीं रहा। तो आप हमारे वीडियो पर आइए, उसमें सारे आपको आंसर मिलेंगे और इसके हम भावार्थ शब्दार्थ सब आपको बताएंगे। और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकें, और अपने दोस्तों को भी जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनका भी वर्क हो सके और अध्यापक के डांट से वो बच सकें। क्योंकि कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कार्य अधूरा रह जाता है। तो उन बच्चों के लिए है जो घर पे आकर के आराम से वीडियो के तहत देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, आशा करती हूँ आपका दूसरा प्रश्न आपने फिल कर लिया होगा, तो अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके अपना अच्छे से भर लीजिएगा। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु, यानी चित्र को देख करके, चित्र में जो उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार क्या करना है, आपको वाक्य लिखना है, यानी आपको वर्ड्स सेंटेंस फ्रेम करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षकौ स्वः, वयम शिक्षिका स्मः, तो ऐसे ही आपको नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अहम कम यह अहम तंत्रज्ञ अस्मि, तो हम भरेंगे आवाम तंत्रज्ञ स्वः, फिर वयम तंत्रज्ञ। तो यहाँ पे इसमें भरेंगे वयम, इसमें भरेंगे तंत्रज्ञ। हमारे पुस्तक हमारे वीडियो में क्या है, काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म में लिखे हुए हैं, स्पष्ट थोड़े बड़े लिखे हैं, इसे हमने नीचे लिख दिया, आपने पुस्तक में बराबर भर लीजिएगा। ठीक है, आप नीचे नहीं रखिएगा, आप यहीं पे बिल्कुल सामने लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था और वीडियो प्रॉपर बनाना है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा नीचे लिख करके बताया है।
आगे बढ़ते हैं। आपका नहीं हुआ तो आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा बच्चों। आगे देखिए, घ में है अहम नर्तकः अस्मि, तो आवाम नर्तक्योः स्वः, वयम् नर्तक्यः स्मः। तो आप इसको यहाँ पे भर लीजिएगा, आवाम और नर्तक्योः, फिर वयम् नर्तक्यः। ऐसे आप इस वीडियो में पॉज करके यानी रोक करके इसको भर लीजिएगा अपने पुस्तक में। अब गग देखिए, अहम् चालकः अस्मि, तो आवाम चालकौ स्वः, वयम् चालकः स्मः। संस्कृत को बच्चों बोल बोल के ही पढ़ा जाता है। आप सोचोगे कि मन में पढ़ें, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो उतनी हमारी कक्षाएं संस्कृत में नहीं चलती हैं, केवल 2 या 3 कक्षाएं ही चलती हैं। तो आप संस्कृत को हमारे वीडियो के तहत आकर के आप उससे आवाम, उसको क्या बोलेंगे, आवाम, इसको बोलेंगे वयम् चालकौ चालकः। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अहम् आरक्षिकास्मि, आवाम आरक्षके स्वः, वयम् आरक्षिकः स्मः। तो यहाँ बच्चों भरेंगे, अहम् छात्रास्मि, आवाम छात्रौ स्वः, वयम् छात्रः स्मः। तो आप इस वीडियो में देखिए कैसे सुंदर सुंदर अक्षरों से मैंने लिख करके आपको बनाया है। तो आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके भेजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेज सकें। आगे बढ़े बच्चों, अगर आपका हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अहम गायकास्मि, आवाम गायके स्वः, वयम् गायकः स्मः। तो आप इसको भर लीजिएगा, आवाम गायके और वयम् गायकः। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी आपको करना चाह रही हूँ। अहम अनुवेद्यास्मि, आवाम अनुवेद्ये स्वः, वयम् अनुवेद्यः स्मः। अनुवैद्या मतलब होता है बच्चों जो नर्स होती हैं, डॉक्टर की जो हेल्प करती हैं, उनको अनुवैद्य अनुवैद्या बोलते हैं। एक रहेगी तो अनुवैद्या, अगर एक से ज़्यादा यानी 2 हैं द्विवचन में अनुवैद्य, और 2 से ज़्यादा यानी बहुवचन में है तो अनुवैद्याः। तो आप इसको ऐसे भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। त्वं चिकित्सकः अस चिकित्सकः, यूवाम चिकित्सकः स्थः, यूयम चिकित्सकः स्थः। तो अब देखिए यहाँ पे, त्वम लेखकः असि, युवाम लेखकौ स्थः, यूयम लेखकः स्थः। यानी तुम लेखक हो, राइटर हो, युवाम लेखको मतलब तुम दोनों लेखक हो, राइटर हो, यूयम लेखा में तुम सभी, ऑल यू आर राइटर, तुम सभी राइटर हो, यू आर ऑल राइटर। आगे देखते हैं, त्वम सैनिकः असि, युवाम सैनिको स्थः, यूयम सैनिका स्थः। आप इसको अपने पुस्तक में पेंसिल के सहायता से भरिए, क्योंकि पेन से भरेंगे तो गलत हो जाएगा, नई पुस्तक है बिल्कुल, तो पेंसिल के सहायता से भरिए, ताकि जो आगे जो आपके पीछे 5th क्लास के बच्चे हैं, जब वो 6th में आए तो आपकी पुस्तक सही सलामत पाएँ। तो आप ऐसे ही पुस्तक से इसको भरते जाइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते जाइए। इसको भरिए युवाम क्रीडको और यूयम क्रीडका। अगर आपका छूट जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार दो बार देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, युवाम अधिवक्तारो और यूयम अधिवक्तारः। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अधिवक्तारः। देखिए तारः में क्या है, र में आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये र के बाद क्या है, विसर्ग है, तो र छिप गया है, तो र के बाद वो बिंदी लगा दीजिएगा। र के बाद क्या लगाएंगे, 2 डॉट लगा देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। त्वं छात्रासि, युवाम छात्रे, यूयम छात्रः। आप इसको भर लीजिए, त्वं धाविकासि, युवाम धाविके, यूयम धाविकः स्थः। अब आइए देखिए प्रश्न नंबर 4 की ओर क्या करना है बच्चों। उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि परस्पर योजयन्तु, यानी उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परस्पर योजन करना है, यानी मिलान करना है। तो देखिए क का यहाँ पे मिलान किया है, तो हमने क का छोड़ दिया है, क्योंकि क का पहले ही इन दोनों में मिलान हो चुका है। ये क है और इसका भी क है, इन दोनों का मिलान हो चुका है, तो हमने ये नहीं किया है क का, तो हमने ख से प्रारंभ किया है। देखिए ख का ये ख यहाँ है और एक ख यहाँ है, तो ये आपस में मिल जाएगा। यानी ख में अहम गायकः अस्मि, तो इसका होगा आवाम गायको स्वः, जहाँ गायकः लिखा है वहाँ मिला दीजिए, वयम गायकः स्मः। तो ज़्यादा इस मकड़ी के जाला मत बनाइएगा, ऐसे ऐसे करके मकड़ी के जाल की तरह नहीं बनाइएगा,
आप केवल नंबर यानी जो वर्णमाला है क ख ग घ वैसे ही लिख दीजिए, ताकि आपके अध्यापक को पुस्तक साफ सुथरी मिले, आपके जो टीचर्स हैं अध्यापिकागण हैं उनको पुस्तक आपकी साफ सुथरी मिले, और आप क्या कर सकें अपने किताब को टीचर्स को जब प्रेजेंट करें तो अच्छे से दिखे। ये नहीं कि आप उसमें सब ऐसे क्या कर दिए हैं मकड़ी का जाल बना करके एरो बना के छोड़ दिए हैं कि टीचर समझ ना पाए। आपका जब परीक्षा होता है तो भी ऐसे ही इसी प्रेजेंट में आप क्या करेंगे बच्चों, इसको बना करके मिलान जो है, जहाँ घ घ देखिए हमने घ लिखा अहम शिक्षिका अस्मि, यहाँ देखिए घ है ना, तो यहाँ आम शिक्षकों से यानी घ नंबर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ भी घ नंबर डाल दिया हमने, इससे आपको क्या होगा वीडियो साफ रहेगी और आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ऐसे ही सारे आप पेंसिल की सहायता से लिख लीजिएगा, एरो नहीं बनाइएगा, एरो एक पहले बनाया है आपको पुस्तक में समझाने के लिए अपने किताब में, जैसे मैं बनाई हूँ वैसे ही आप बनाइएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, उदाहरण अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम करतु, यानी उदाहरण देख करके आपके उत्तर लिखे हुए हैं। ये सब क्या है बच्चों, ये सब उत्तर हैं यानी आंसर लिखे हुए हैं, आपको केवल प्रश्न का निर्माण करना है यानी आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, पहला है त्वम तंत्रज्ञ, तो प्रश्न बनेगा कह तंत्रज्ञ, फिर त्वम कह, ऐसे ही कौ बालको युवाम कह, के छात्रा के छात्रा की जगह यूयम कह, ऐसे आप वीडियो में देखते हुए भरती जाए। कह न्यायाधीश, न्यायाधीश का अर्थ होता है जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं उनको न्यायाधीश बोलते हैं। आवाम गायके, गायके का अर्थ होता है बच्चों सिंगर, सिंगर जो होते हैं उनको संस्कृत में बोलते हैं गायिका। ठीक है, शिक्षिकाएं आप जानते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं शिक्षिका हूँ, आपके स्कूल में जो फीमेल टीचर है वो शिक्षिका है और जो मेल है वो शिक्षक कहलाएंगे। और तंत्रज्ञ क्या अर्थ होता है, जो तंत्र के बारे में जानता हो, जो गैजेट्स के बारे में जानता हो, जो गैजेट को अच्छी तरह से समझता हो उसको तंत्रज्ञ बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर जो अच्छी तरह जानता है, कोडिंग कर लेता है, ठीक है, कोई भी मशीनी काम कर लेता है उसको तंत्रज्ञ बोलते हैं। बालको आप जानते हो कि बालको, देखो बच्चे यहाँ बालको मेरे से गलती हो गया, ब पे आ की मात्रा लगा देना, बलाको लिख दिए थे, क्षमा करिएगा बालको होगा, तो ब पे क्या करेंगे आप यहाँ पे धीरे से आ की मात्रा लगा देंगे बालको। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि वीडियो जो मैं बना रही हूँ काफ़ी विद्यालय से आने के बाद जब समय बचता है तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना करके भेजती हूँ, ताकि आपका वर्क कंप्लीट रहे, आपको संस्कृत की वजह से डांट ना सुनना पड़े। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, तो वो क्या करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा देंगे और बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे इसका आंसर लिख लें, ताकि परीक्षा में उन्हें बिल्कुल बाधा ना आए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, परियोजना कार्य यानी कुछ एक्टिविटी है, अस्मद युष्मद का शब्द रूप लिखना है। देखिए हमने लिखा है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को देख करके और वीडियो को पॉज करके पेंसिल से देख करके लिख लेंगे और इसको याद भी करेंगे। याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुस्तक नहीं है और ऐसा न रहे कि परीक्षा में आ जाए तो आप इसको समझ ना पाए। ये सारे जो हैं थोड़े थोड़े एक दिन तीन तीन याद करिए तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, या तो पहले एक वचन याद कर लीजिए, फिर द्विवचन याद करिए, फिर बहुवचन, जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप याद कर लीजिएगा, लेकिन याद करना ही पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में ये सब आते हैं रूप, ये शब्द रूप है सर्वनाम के, यानी जो आपके सर्वनाम शब्द होते हैं जिस संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, इसकी परिभाषा है, तो ये सर्वनाम के शब्द रूप हैं। ये देखिए युष्मत, युष्मत कहता है तुम, तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया, देखिए यहाँ पे त्वया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे फ्रेम करने में, तो ऐसे लिखाएगा त्वया, त्वया युवाभ्यम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्यम युष्मत, तव युवयो युष्माकम, जो ऐसे ही आप इसको कर लीजिए अपने पुस्तक में पेंसिल की सहायता से ही भरिएगा। कुछ बच्चे कलम पेन चलाने लगते हैं तो पेन में क्या करते हैं हड़बड़ी करने में उनकी गलती हो जाती है, तो आप इरेजर तो यूज नहीं कर सकते हैं पेन से लिखें, तो पेंसिल से लिखेंगे तो आपको बहुत ही
सुविधा रहेगा, कहीं मिस्टेक होने पे आप उसको इरेजर से रब कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। और कोई बच्चों परेशानी होगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लीजिए चैनल में, क्योंकि चैनल बिल्कुल हमारी नई है। ये हम आर्मी स्कूल में पढ़ाते हैं, आर्मी स्कूल में, तो वहाँ के बच्चों को भी सुविधा मिल जाती है। एक्चुअली में अभी क्या है, इस वर्ष हमारे विद्यालय में रुचिरा ही चल रहा है, तो अगले वर्ष चलेगा। अगर आपके स्कूल में दीपकम लग गया है तो हम आपके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं APS के अलावा जो ये पुस्तक को पढ़ा रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, वहाँ पर ये सब किताबें शायद चल रही हैं। और हमारे विद्यालय में क्या है कि इस साल पुरानी पुस्तक से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए मैं मेहनत करके बना रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए, कमेंट्स दीजिए अच्छे अच्छे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लोगों को शेयर भी करिए, ताकि आपके दोस्त लोग क्या करें इस